जी आए हैं। जी गीत जी, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ जी। आज मैं आपकी स्ट्रीम देख रहा हूँ, आपने ऐसा लग रहा है आपने मशीन गन पकड़ी हुई और आप सबको धो रहे हो आज एक के साथ एक लाइन से। आई लाइक इट बाय द वे। भाई इन लोगों की धुलाई की जरूरत है, इन लोगों को ये समझ रही है, ये समझ रहे थे या समझ रही है कि देखो गीत जी बात ये है कि मैं वही कह रही हूँ, आप मेरे कभी फेसबुक पेज पे गए हो? हाँ, नहीं गए ना? जरा मेरे फेसबुक पेज पे जाना और वहां पे वीडियोस पे कमेंट्स देखना और देखना कि कितनी गालियां पड़ती हैं वहां पे मेरे। बिल्कुल बिल्कुल, 3-4 हजार उसमें मेरी नहीं फटी, इनकी 4-5 कमेंट्स 2-3 ट्वीट से फट गई आपकी। आप वहां औरत बन के विक्टिम बन के बैठ गए, वहां पर रोना धोना डाल दिया। लाइक व्हाट काइंड ऑफ ड्रामा इज दिस? आपको तो हिम्मत देनी है दूसरों को, आप तो खुद वहां पे और 4 मर्द बिठाकर कौन सी आप अभी ऐसी रिलीजन, मेल डोमिनेंट रिलीजन को छोड़ के बैठी हो, मगर फिर भी आपको मर्द का सहारा चाहिए? कौन सी इंडिपेंडेंट औरत हो? देखिए मैं इसमें आपको 2-3 चीजें बताऊंगा, बिकॉज ऑफ कोर्स आप एक वर्ल्ड मीडिया के सामने आप बैठी हैं, तो आई डोंट थिंक आई नीड टू एजुकेट यू। प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ चीजों में है। नंबर वन ये है कि एक तो जब मैं देखता हूँ आपको इतने सारे कॉमेंट्स आते हैं, ये लोग गालियां निकालते हैं एंड ऑल दैट, तो मुझे एक बात समझ में आती है कि इसमें रिलीजन का लेना देना नहीं है, इसमें अपब्रिंगिंग का लेना देना है। नो, आई डिसएग्री विद यू। नो 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 नो, आई डिसएग्री। आई मे बी रॉन्ग। ये फैनेटिज्म जो इनका एक्सट्रीमिज्म है ना, उसमें आते हैं ये, और उसमें आकर ये भूल जाते हैं इनकी रिलीजन। जैसे आप बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी फैमिलीज के होंगे पाकिस्तान से, मगर आप इस्लाम पे बात करोगे तो वो गली गलौज पे आ जाएंगे फौरन, क्योंकि उनकी आप उनकी माँ को गाली दे दो दे वो उनकी शिट, मगर आप उनके उस पे करोगे तो दैट्स इट। राइट राइट, वही है, मतलब कि मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये दोनों तू और ले जा सब्सक्राइबर्स और अपनी गाड़ी अंदर डाल ले सब्सक्राइबर्स, मेरे को नहीं परवाह, जाओ ये बैठ के मेरे सब्सक्राइबर्स। इसको बोल पहले जाए और दोबारा ना आए, खुद यहाँ बैठा हुआ है, खुद यहाँ बैठ के व्यूज दे रहा है। सब्सक्राइबर से कुछ नहीं होता, व्यूज होते हैं। सब्सक्राइबर मेरे 4 हो मगर व्यूज मेरे 15,000 हो तो चूतिए, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है ना, जब तो तुम आओ मैं मैं सच बता रहा हूँ, मैं पिछले 5 मिनट से सुन रहा हूँ। पहले तो मैं कैरल बेल को देख रहा था, वो जो चैट्स में यहाँ पे लिख रहे थे, और फिर वो यहाँ पर आए और फिर उन्होंने यहाँ से अपने मुंह से पॉटी करनी शुरू कर दी कि जी वो अब ये गीत कपूर भी एक सुनाटनी है, देखना कैसे मेंटल जिमनास्टिक्स करेगा। भाई तू उड़ने वाला बंदर, तेरा नाम भी है, तेरी शक्ल भी उड़ने वाली बंदर जैसी है, तो तू बैठ नीचे, तू 100 रुपये दे सकता है, तू चिंता मत कर, उतनी तेरी औकात है। सो इन्होंने भाई साहब ने सबको भक्त बना दिया, सबको मतलब पता नहीं क्या कर दिया। आई डोंट एग्री विद हिम एट ऑल। जयंता पॉल जी, पाकिस्तान में तो हम नहीं कर सकते ना, हमें पता है हमारा सरतन से जुदा हो जाएगा, हमें तो पता है ना कि पाकिस्तानी चलो मुसलमान जिहादी हैं, ठीक है ना, चंद मुसलमान जिहादी हैं, मगर इंडिया तो सेक्युलर कंट्री है, वहां तो फ्रीडम है, वहां पे क्यों बैठे हैं मुंह छुपाकर, वहां क्यों ये सारे क्यों मुंह छुपा के बैठे हैं? मैं तो मानती हूँ पाकिस्तान है खराब है, वहां नहीं है फ्रीडम, आपके वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इंडिया में तो फ्रीडम ही फ्रीडम है, सेक्युलर हो वड्डा वड्डा इंडिया हमारा महान भारत, वहां पे क्यों मुंह छुपा के बैठे हैं? औकात सारी एक है ना, औकात सबकी एक ही है। वही तो मैं कह रहा हूँ, औकात सबकी एक ही है। यहाँ पे भी देखिए, आज अगर मैं भी आपके दो जब स्ट्रीम में अभी जैसे बंदे ने कहा ये बंदर वाला आदमी ने, तो मैं भी 2-4 बार आपके शोज पर, तो मेरे को भी इस तरह के कमेंट्स आने लग गए हैं कि तू वहां जाके, अभी कैरल बेल कभी आपको कह रहा है हिपोक्रेट, कभी कुछ कह रहा है। भाई अगर तू अगर मलहीज हिपोक्रेट है तो तू यहाँ क्या कर रहा है? व्हाई आर यू हियर? लाइन देखने आए, गॉड नोज व्हाई। ठीक है, अभी मैं बात करूंगा, जो अभी इस्लाम साहब आए थे, इनसे मैं एक चीज से डिसएग्री करता हूँ। इन्होंने कहा हिंदुत्व हिंदुत्व, नंबर वन हिंदुत्व इज नॉट व्हाट हैज बीन प्रपोज्ड बाय कांग्रेस। हिंदुत्व का क्या मतलब? मैं आरएसएस में रहा हूँ, जब मैं छोटा था मेरे पापा मुझे आरएसएस के शाखा में लेके जाते थे। अच्छा। व्हेन आई वाज अ वेरी स्मॉल किड, हमें आज तक वहां नहीं सिखाया गया कि मुसलमानों को मार दो, मुसलमान देश का हिस्सा नहीं, कभी नहीं सिखाया गया। हम क्या कहते थे वो जो हमें, और एक्चुअली वी हैव गिवन फीडबैक टू देम एज वेल, कि जो हिंदुत्व वर्ड है दैट साउंड्स वेरी नेगेटिव, उसको अगर आप चेंज कर सके तो करें। एक डिबेट में भी हुआ था, हिंदुत्व का मतलब ये है कि हिंदुत्व बना है हिंदुस्तान से, तो वो ये कहते हैं कि आप अगर हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो आप हिंदुस्तानी हैं, आप हिंदू हैं। चलो एक डिबेट में ही हुआ, तो उसमें एक एसोसिएशन ओवैसी जी आए हुए थे, उन्होंने कहा भाई हम हिंदू नहीं बुला सकते अपने आपको क्योंकि हम मुस्लिम हैं। गिवन, आप अपने आपको हिंदू नहीं बुला सकते, आप अपने आपको इंडियन तो बुला सकते। ताल सिंह, उसकी मैंने वीडियो चला दी है, आप जाके ट्विटर पे वो वीडियो देख लो। आप किसी को डॉक्सिंग पे थ्रेट नहीं कर सकते हो, आप वहां बैठ के ये बोलना कि मैं आपकी डिटेल्स, मैं यहाँ नहीं बैठ के कह सकती कि मैं आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन या डिटेल या कुछ भी आपकी रिलीज कर दूंगी। यहाँ पे लोग जेलों में पहुंच गए इस चीज पे, आपको समझ में आ रही है ना? वो धमकी थी, उसने लाइफ थ्रेट नहीं किया था उसको कि मैं आपको आके मार दूंगी, ये नहीं कहा था, मगर क्या इंफॉर्मेशन उसके पास है, अगर वो लीक हो जाती है तो उससे हारिस की लाइफ को
खतरा पड़ सकता है। अब मैं वही तो हूँ ना, आप लोगों के लिए मुझको स्पेल करना पड़ता है हर चीज, क्योंकि अकल तो है नहीं। जब अकल बट रही थी ना, तो अल्लाह मियाँ जब बांट रहा था, भगवान जब बांट रहा था अकल, तो आप लोग बैठ के ना पेशाब पी रहे थे, और वो लोग जो है वो कैमल पे वो काओ उसका ऊंट का पेशाब पी रहे थे, और आप लोग काओ का पेशाब पी रहे थे, तो और जंग लग गया। तो आप लोगों को अकल मिली नहीं ना, अब आके मेरा सर खपाते हो और हर चीज का इनको जवाब दो। फिर हिंदुज्म के बारे में खुद बता रहा है आरआरएस का हूँ, देखो मेंटल जिमनास्टिक। तो आप आरआरएस के हैं, मगर आप कभी कहते हैं आप एथियस्ट हो, मगर आप फिर कहते हो कि आप हिंदू हो। So, let me explain what exactly is going on. When I was a kid, जब मैं बहुत छोटा था, I think मैं 10-12 साल का था, तब मैं जाता था। तो उसके बाद of course इंसान बड़ा होता है, इंसान की सोच चेंज होती है। I'm sure जब आप भी 10-12 साल के थे, तब आपके भी शायद आपके मन में चीजें ना आती हों, आ जाती हैं। आज आपने अपनी जिंदगी में मेरी सोच तो last 2 weeks में ही बड़ी चेंज हुई है भाई, मेरी सोच तो बहुत चेंज हुई है। भाई हुआ ना कि जब तक तो आप इस्लाम को गालियां निकाल रही थी, तो सारे कैसे अरे वाह क्या बात है, और आपने दो वीडियो में पढ़ा दिया, तो कैसे इनको आग लग गई। गाली भी नहीं दी अभी तक तो मैंने इनको, इनके हिंदू रिलीजन को तो मैंने गाली भी नहीं दी, और मैंने खुद गाली मैंने इस्लाम को भी नहीं दी है। गाली मैं इंडिविजुअल्स को देती हूँ जो मुझे गाली देते हैं, गाली मैंने कभी मोहम्मद अल्लाह को भी नहीं दी है, वरना इन लोगों ने लगा दी होती, निकाल लिया होता। हमारे हमारे ये मैं दूंगी, हमारे जो मुस्लिम भाई है ना, वो लोग एक्चुअली प्रूफ लेकर आते हैं, मगर ये सनातनी जो है ना, ये फेक न्यूज फैलाने में माहिर है। ये तो मैंने बोस्टन यूनिवर्सिटी का वो है, वो सारे बोस्टन यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं ये, ठीक है। इनको ये लगता है कि जो ये बोल, और ये मैंने खुद देखा है, जब मैं कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं किसी चीज को क्रिटिसाइज करता हूँ ना, तो मुझे भी बोल देते हैं कि तू फेक प्रोफाइल वाला होगा, तू जो है तेरे को पैसे दिए हुए होंगे, तो ये इनकी औकात है वो, आई नो इट। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, पढ़ने दो, वो बथेरे लोग मैंने देखे इनके जैसे। तो वहां तो ये जो हिंदुत्व है, ये इतना एलिफेंट गोबर से प्यार हो गया, तुम्हें भिजवा दू थोड़ा सा, तुम्हें चाहिए खा खा के दिल भर गया होगा, तो अब डिफरेंट फ्लेवर में चाहिए तो मैं भिजवा देती हूँ आपको एलिफेंट गोबर। जी अच्छा चले गीत जी, मैं आगे चलती हूँ, जल्दी से आप लास्ट पॉइंट अपना दे दीजिए। सो हिंदुत्व को इस तरीके से एक बैड नेम दिया गया, ठीक है, क्योंकि वो इट साउंड्स लाइक इन अ वेरी बैड टेस्ट कि भाई ये सबको हिंदूज क्यों बना रहे हैं। बट हिंदुइज्म इज अबाउट, हिंदुत्व इज अबाउट बेसिकली कि यू शुड बी एन इंडियन बिफोर यू कॉल योरसेल्फ एनीबॉडी, यू कैन बी अ मुस्लिम स्टिल यू कैन बी अ हिंदुत्व पर्सन, सो इट्स ओके, यू डोंट वांट टू कॉल योरसेल्फ अ हिंदू, फक हिंदुत्व, कॉल योरसेल्फ एन इंडियन फर्स्ट। यहाँ पे वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम अपने आप को इंडियन नहीं बोलेंगे, क्योंकि वी बिलोंग टू अ माइनॉरिटी एंड इंडियन इज अ मेजॉरिटी। आई थिंक पीपल नीड टू कॉल देमसेल्फ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, एक इंसान, एक अच्छा इंसान बनने की सबसे पहले जरूरत है। फिर अगर आपका मुल्क, जैसे मैं कनाडा के साथ लॉयल हूँ, मेरी लॉयल्टी अगर कभी हुई तो वो कनाडा के साथ होगी, इससे पहले मैं पाकिस्तान को लॉयल्टी सपोर्ट करूँ, क्योंकि पाकिस्तान ने मुझे वो कुछ नहीं दिया जो कनाडा ने दिया है। अगर आपकी आपका जो मुल्क है वो आपको सहूलतें फराहम कर रहा है और अच्छा है, तो फिर आप उसके साथ लॉयल हो ना, आप लॉयल बने हुए ऐसे मुल्क के साथ जो आपको देता कुछ नहीं है, बस लेता ही है, खाते जा रहे हैं, करप्शन एक नंबर की वहां पर हो रही है, औरतों के कोई राइट्स वगैरह नहीं है, और आप बैठ के वहां पे उस पे कर रहे हो। चले थैंक यू सो मच। लास्ट वीडियो देखा था, एक लास्ट स्टेटमेंट मारूंगा, आपका अपने लास्ट वीडियो देखा था जिसमें आपने कहा था कि किसी बंदे ने आके कहा था कि इंडिया में चीजें होती नहीं है, ये औरतों पे तजद्दुद नहीं होता, या मैं बस एक बात कहूंगा, कोई भी इंसान दुनिया का कहां कहीं से भी कोई भी इंसान अगर आके ये बोल देना कि उसके देश के अंदर औरतों में तजद्दुद नहीं हो रहा, वो एक नंबर का झूठा है, बकवास कर रहा है, और उसको खत्म हो जाना चाहिए, मतलब कि उसको ना गड्ढा खोद के उसके अंदर घुस जाना चाहिए, चुनु और पानी में डूब के मर जाना चाहिए, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, नाक में इतना सा पानी ले और भर ले। चलो टेक केयर, थैंक यू गीत।